अश्वगंधा की जानकारी हिंदी में। अश्वगंधा एक ऐसी पावरफुल औषधि है जो आयुर्वेदिक दवाइयों में 3000 साल से भी अधिक समय से सम्मान पूर्वक प्रयोग की जाती रही है। इसे इंडियन जिनसेंग भी कहा जाता है। अश्वगंधा प्राकृतिक और स्वस्थ तरीके से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाती है। अश्वगंधा चिंता और तनाव को कम करती है और स्टेमिना मसल्स का आकार और ताकत को बढ़ाती है, साथ ही साथ सेक्सुअल परफॉर्मेंस को भी बढ़ाती है। अश्वगंधा में और भी बहुत गुण पाए जाते हैं, जैसे यह मेमोरी को बढ़ाती है, डिप्रेशन, स्किन सोर्स और सूजन को दूर करती है। अश्वगंधा का प्रयोग जनरल बॉडी टॉनिक के रूप में भी किया जाता है। अश्वगंधा च्यवनप्राश में भी प्रयोग की जाती है। चेहरे की सुंदरता बढ़ाती है अश्वगंधा। अश्वगंधा चेहरे की सुंदरता के लिए भी बहुत फायदेमंद है। स्किन को कोमल, चमकदार और चिकना बनाने के लिए शहद और गुनगुने दूध के साथ अश्वगंधा का प्रयोग सोने से पहले कुछ दिन तक करें। इससे आपके चेहरे के दाग, धब्बे और झुर्रियां दूर होती है। अश्वगंधा के कुछ और फायदे आगे बताए जा रहे हैं। बालों को झड़ने से बचाती है अश्वगंधा। अश्वगंधा बालों को काला करती है और डैंड्रफ को दूर करती है। बालों को गिरने से भी रोकती है। बालों को काला करने वाला तत्व मेलानिन को बढ़ाती है। ब्लड शुगर या डायबिटीज और ब्लड प्रेशर में फायदेमंद अश्वगंधा। अश्वगंधा ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करती है। इस प्रकार यह डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर में भी फायदा करती है। अश्वगंधा जॉइंट पेन आर्थराइटिस में बहुत इफेक्टिव है और यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। सेक्स पावर और स्पर्म को ताकतवर बनाती है अश्वगंधा। अश्वगंधा पुरुषों की सेक्स पावर को बढ़ाती है, यह स्पर्म को ताकतवर बनाती है, नपुंसकता को दूर करती है और एक उत्प्रेरक का भी काम करती है। औरतों की गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम में फायदेमंद है अश्वगंधा। यह स्त्रियों की गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में भी लाभदायक है। हाइट बढ़ाने में मदद करती है अश्वगंधा। एक ग्लास दूध में एक चम्मच अश्वगंधा मिलाकर थोड़ा सा गुजिया शुगर के साथ रोज 2 महीने प्रयोग करने से हाइट बढ़ाने में मदद मिलती है। यकृत की समस्या और नींद ना आने की समस्या को दूर करती है अश्वगंधा। अश्वगंधा लीवर प्रॉब्लम्स में, इंसोम्निया में बहुत फायदा करती है। यह एकाग्रता को बढ़ाती है और मूड को भी ठीक करती है। नोट: अश्वगंधा का अधिक प्रयोग करने से हैजा, उल्टी और जीम चलाना जैसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। गर्भवती स्त्रियों को अश्वगंधा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह पोस्ट अश्वगंधा की जानकारी हिंदी में पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह पोस्ट अश्वगंधा की जानकारी हिंदी में पसंद आई है तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।